सो हेलो भाई, दिस इज तरुण कपूर। ये है तरुण कपूर फिटनेस। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पांच टिप्स। आज मैं आपको बताऊंगा जो बिगिनर के लिए भी है और एक्सपीरियंस के लिए भी है। तो ये टॉपिक मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ये पांच टिप्स। क्योंकि जिन्होंने अभी जिम स्टार्ट करी है और जिन्हें 2 या 3 साल हो चुके हैं, उन्हें पांच टिप्स का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। और मेरा प्रोग्राम आने वाला है मस्कुलर मैस मसल बिल्डिंग प्रोग्राम, तो इसलिए ही मैं टॉपिक लेके आया हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए पांच टिप्स कौन सी है। चाहे आप किसी का भी प्रोग्राम फॉलो करो तो ये पांच चीज़ें कौन सी है आज मैं आपको बताऊंगा। तो बताने से पहले, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल, और जो मुझे फॉलो नहीं कर रहा है मैं इंस्टाग्राम पर, जाइए मुझे फॉलो कीजिए। मेरा अकाउंट है तरुण कपूर फिटनेस के नाम से। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए फोटोज एंड वीडियोज अपलोड करता हूँ जिससे आप मोटिवेट होते रहें, क्योंकि बहुत लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं गेनर खा लूँ। कुछ लोग पतले हैं वो कहते हैं मैं गेनर खा लूँ। तो तुम्हारा भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। लाल सा बटन ना साइड में, बिल्कुल फ्री है। उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, उस पर आप क्लिक कर देना, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे हर वीडियो की। और भाई आया है तो रिजल्ट लाएगा, दिक्कत मत लो। कमेंट में लिख दो मेरी वीडियो के नीचे, उस पर ही वीडियो बना दूंगा। मुझे रिजल्ट चाहिए बस आपके, तभी आया हूँ मैं आपके सामने। रिजल्ट, ओनली रिजल्ट मैटर। नेचुरल वे में बॉडी बन सकती है और बहुत ही बेहतरीन बन सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं, वो पांच टिप्स कौन सी है जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। पहली टिप्स, नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन होना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। जो लोग सुबह जिम जाते हैं, तो कुछ लोग, मैं जिम में डेली जाता हूँ, वो मैं देखता हूँ कि कुछ लोग शावर लेके नहीं आते, वर्कआउट करने लगते हैं। तो मुझे जितना एक्सपीरियंस है, मैं आपसे आपको वही बता रहा हूँ कि आप शावर लेके, जो लोग सुबह जिम जाते हैं वो शावर लेके जिम जाएं। जितना एनर्जी लेवल आपका होना चाहिए वो नहीं हो पाता। आप विदाउट शावर आप उठते हो, और कुछ लोग बिना खाए पिए जिम चले जाते हैं। तो खा के जाना है और शावर लेके जाना है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके, आपका एनर्जी लेवल और आपका फोकस यहाँ से यहाँ होगा। जो लोग इवनिंग में जिम जाते हैं, जैसे कि विंटर आ चुकी है तो विंटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जिम से पहले 1 घंटे पहले आप शावर लेके और अपनी डाइट लेके, उसके बाद आप जिम जाओ। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप जिम उठा दोगे, इतना हैवी वेट लिफ्ट करोगे जितना आपको करना चाहिए, उससे भी ज़्यादा। तो ये पहली टिप्स है उन बिगनर के लिए, और जो एक्सपीरियंस है उनके लिए भी। एक्सपीरियंस वाल जो एक्सपीरियंस है, जिन्हें कई साल हो चुके हैं, उन्हें भी नहीं पता इस बात का कि जिम से 1 घंटे पहले हमें शावर लेके और डाइट लेके जाना है। तो ये टिप्स है आपकी नंबर 1 बिगनर और एक्सपीरियंस के लिए। दूसरी टिप्स है आपकी फॉर्म। आपकी फॉर्म करेक्ट होनी चाहिए। जो बिगनर है, मैं उनसे ये बोलूंगा कि मिरर होता है सामने, जब आप जिम जाते हो और मिरर होता है आपके सामने, आप जिम जाओ और कोई भी एक्सरसाइज आप लगाते हो तो उसे देख के लगाया करो। चाहे वो ट्राइसेप की हो, ट्राइसेप के आप एक्सरसाइज लगाते हो तो उसे देखा करो कि मैं सही लगा रहा हूँ या गलत लगा रहा हूँ, क्योंकि आपकी फॉर्म सीखना बहुत ही जरूरी है। आपकी फॉर्म बिल्कुल करेक्ट हो गई तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की फॉर्म ही गलत रहती है और वो गलत एक्सरसाइज लगाते रहते हैं, उन्हें कई कई साल हो जाते हैं। तो जब जैसे आप मान लीजिए, जैसे मैं, मेरा जो कपिल है भाई, जो मेरे से जुड़ा है, जो उसे फॉलो करता है, कपिल भाटी केपी के नाम से है उसका इंस्टाग्राम आईडी है उसकी, तो उसकी भी फॉर्म गलत थी, मैंने ही सिखाई थी और सीखने में उसे टाइम लगा। क्यों? क्योंकि वो गलत एक्सरसाइज लगा रहा था कई सालों से। तो एक करेक्ट फॉर्म बताना और उसे सही करना, उसमें लगता है टाइम, क्योंकि वो कई सालों से गलत एक्सरसाइज लगा रहा है, तो वही चीज़ वो उसने कैप्चर कर ली, अपने दिमाग में डाल ली। तो करेक्ट वे बताना थोड़ा सा टफ हो गया था, उसे सही लेवल पे लाना। तो बिगनर के लिए मैं उनसे यही बोलूंगा कि आप फॉर्म पहले सीखिए, फॉर्म बहुत ही ज़रूरी है आपकी सीखना, क्योंकि आपकी फॉर्म सही हो गई फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप की बॉडी बन ही जाएगी। तो दूसरी टिप्स यही है कि आपकी फॉर्म बहुत ज़रूरी है, आपकी फॉर्म सही है, फॉर्म का ध्यान रखें जो बिगनर हैं, क्योंकि आपने फॉर्म ही सही कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप किसी का भी प्रोग्राम फॉलो कर सकते हो, कोई भी एक्सरसाइज लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपके रिजल्ट आने ही आने हैं। तीसरी टिप्स
जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो है ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग बहुत ही जरूरी है, इन और आउट, सांस लेना, इन अंदर करना, सांस बाहर निकालना। तो बहुत सारे यूट्यूबर है जो बहुत कंफ्यूज कर रखा है पूरे यूट्यूब पे कि इन आउट इन आउट, ये आप दिमाग से निकाल दो। ब्रीदिंग का जो मेन रोल है वो है एब्स में। वर्कआउट जो आप वर्कआउट लगाते हो, वर्कआउट करते हो, चाहे वो चेस्ट की एक्सरसाइज हो चाहे बैक की हो, उसमें ब्रीथिंग का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ब्रीथिंग ऑटोमेटिक होती है। आप मान लीजिए मैंने आज चेस्ट की एक्सरसाइज की थी, तो चेस्ट प्रेस में ले रहा हूँ, राइट। चेस्ट प्रेस में मेरा वेट मीडियम है, मैं मीडियम वेट ले रहा हूँ, ना ज़्यादा लाइट है ना ज़्यादा हैवी है, ओके। तो मैंने वेट लिया चेस्ट प्रेस में, ऐसे नीचे लाया, तो पूरा जो मेरी टेंशन है वो चेस्ट पे है, ठीक। ऐसे करके मैंने ऐसे उठाया, तो उठाते ही मेरी ब्रीथ आउट होगी इन, जब यहां लाऊंगा, यहां जब मैं लाऊंगा तो इन, क्योंकि पूरी टेंशन मेरी चेस्ट पे है, पूरा फोकस मेरा चेस्ट पे है, तो ब्रीथ इन ही होगी ऑटोमेटिकली। आप चेस्ट के एक्सरसाइज लगाते हो तो खुद ही आप फील करना, ये आप ले गए चेस्ट, ये नीचे लाए चेस्ट पर, मीडियम वेट हैवी है, और आपने ऐसे उठाया, तो उठाया जब ऐसे उठाओगे तभी ब्रीथ आउट होगी। तो इन और आउट का कोई दिक्कत नहीं है वर्कआउट में, क्योंकि आपकी बॉडी खुद ही फील करती है। ये पता नहीं क्या क्या मिथ बना रखा है लोगों ने, जो एक्सपीरियंस है, जिन्हें कई कई साल हो चुके हैं, जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो भी यही गलती कर रहे हैं और वो बता रहे हैं आप लोगों को। तो ब्रीथिंग का कोई रोल होता है, बट वर्कआउट में ब्रीथिंग ऑटोमेटिकली, आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट ऑटोमेटिकली होता है। तो ये आप मिथ है जो लोगों ने बना रखा है, और ये बोल बोल के पूरा आपका जो माइंड है वो घुमा रखा है। तो इस बात का ध्यान रखना, ब्रीदिंग की कोई दिक्कत नहीं है वर्कआउट में। कोई भी चीज़ आप लिफ्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली जब आप कोई भी चीज़ लाते हो, जहाँ टेंशन लेते हो, तो वहाँ पे वो इन ही होती है, आउट नहीं होती है। जब आप छोड़ोगे, चाहे बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने ऐसे उठाया तो इन हो गई, ऐसे नीचे लेके गए तो आउट हो गई, तो वो ऑटोमेटिकली होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ब्रीथिंग का जो मेन रोल है वो एब्स में है, चाहे आप अपर एब्स के एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे आप लोअर एब्स के एक्सरसाइज कर रहे हो, ब्रीदिंग का जो मेन रोल है वो एब्स में ही है। जब आप क्रंचेस करते हो, ऐसे ऐसे करते हो, तो अपर एब्स पे आप हिट करते हो, तो अपर एब्स पे जब आप हिट करते हो ऐसे, तो ब्रीदिंग आउट होनी है, इसमें उल्टा होना है। ब्रीदिंग आउट इन आउट इन आउट इन, तो कोई भी चीज आप हिट करोगे वहां पे आप आउट करोगे। तो इस बात का आप ध्यान रखना, ब्रीदिंग बहुत ही जरूरी है। पहली जो टिप्स थी वो थी शावर, नीट एंड क्लीन होके आपको जाना है। दूसरी फॉर्म, फॉर्म बहुत ही जरूरी है। तीसरी आपकी ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का सही होना बहुत ही जरूरी है। चौथी जो आपको मैं टिप्स देने जा रहा हूं वो है वर्कआउट एंड डाइट। वर्कआउट भी 50% जरूरी होता है, एंड डाइट भी 50% जरूरी होती है। बहुत लोगों ने मिथ बना रखा है कि 70 या 80% डाइट होती है, डाइट होती है, बट आपका वर्कआउट भी अच्छा होना चाहिए। आपकी डाइट अच्छी नहीं है, वर्कआउट अच्छा है, या वर्कआउट अच्छा है डाइट अच्छी नहीं है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ है, तो आप अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो डाइट का बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि हर 2.5 से 3 घंटे में आपको मील लेनी होगी। 3 घंटे बाद आप मील लेते हो तो आपकी जो मसल है वो ब्रेक होने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखना, आपको ये बात किसी ने भी नहीं बताई होगी, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, अच्छे से एक्सपीरियंस है मुझे इन सब चीज़ों का। जो भी मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप ये सब सीखो। तो 2 से 2.5 से 3 घंटे में, 2.5 घंटे बाद आप मील लेना स्टार्ट कर दिया करो, क्योंकि 3 घंटे बाद आपकी मसल की रिकवरी, समझ लो आप कैटाबॉलिक में जा रहे होते हो, तो एनाबॉलिक में फटाफट से ले आया करो, क्योंकि बहुत लोग मिस कर जाते हैं, 4 4 5 5 घंटे बाद डाइट लेते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। पांचवी टिप्स जो मैं आपको देने वाला हूं वो है सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन मैं आपको बताऊं तो सप्लीमेंटेशन का कुछ रोल नहीं होता। सप्लीमेंटेशन सिर्फ आपने अपने दिमाग में डाल रखी है कि सप्लीमेंटेशन से ही रिजल्ट आते हैं। सप्लीमेंटेशन किससे बनते हैं? आपकी डाइट से। तो वो ही सप्लीमेंटेशन ले जो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि मैं भी, मेरे भाइयों सही बात बताऊं तो मैं भी आपकी तरह ही हूं बिल्कुल। तो पैसे मिलते हैं, तुम्हारा भाई वर्क करता है, पैसे कुछ ही होते हैं, डाइट भी करनी है, नेट भी चलाना है,
फोन का बिल भी पे करना है, तुम्हारे भाई पे बाइक है, बाइक का भी तेल डलवाना है, कपड़े भी लेने होते हैं, कभी कभार ऐसा तो है नहीं कपड़े नहीं लेंगे, तो हर एक चीज़ देखनी होती है। क्या मैं सप्लीमेंटेशन पे जाऊं? मैं अपनी बात करूं तो जब मेरे पे बजट होता है, जब मैं घर से पैसे देता हूं कि मुझे पापा पैसे दे दो 2,000 रुपये या 3,000 रुपये, मैं 20 से ले आऊं, तो तब मैं लेता हूं। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा जो फोकस रहता है वो डाइट पे रहता है। मुझे पता है मेरा बाइक का भी खर्चा है, तुम्हारी भाभी का फोन आ गया, हेलो चलो घुमाने, तो 1,000 रुपये तो वहीं लग जाते हैं। तो मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पैसे बहुत है, मैंने बना रखी है बॉडी। तो बहुत लोग यही सोचते होंगे कि भाई इस पर तो पैसा है, इसने तो बना ली, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, अपना छोटा भाई या बड़ा भाई मानो मुझे, ठीक है। तो सप्लीमेंटेशन वही अफोर्ड करे जो कर सकता है, क्योंकि सप्लीमेंटेशन से आपकी बॉडी नहीं बनती। मैं बात करूं सीरियसली, आज मैं एक बात बताऊं, सप्लीमेंटेशन पुश करते हैं जब आपकी डाइट बिल्कुल प्रॉपर होती है, वर्कआउट स्प्लिट अच्छा होता है और आप पे बजट है, आप सप्लीमेंटेशन अफोर्ड कर सकते हो, तब आप लो, तब आपको थोड़ा सा वो पुश करेगा जल्दी रिकवरी करने में सप्लीमेंट। बस सप्लीमेंटेशन का ये काम है, जो आप फूड से कंज्यूम नहीं कर पा रहे उतना, तो सप्लीमेंटेशन का काम यही है कि वो जल्दी से आपको वो चीज़ प्रोवाइड करता है। मींस क्रिटीन जो लोग लेते हैं, क्रिटीन हमें चाहिए, क्रिटीन पे मैंने वीडियो बना रखी है, तो क्रिटीन आप 10 to 15 ग्राम तक ले सकते हो पर डे। तो जो लोग क्रिटीन यूज़ करते हैं, तो क्रिटीन हमें फूड से नहीं मिल पाता, तो हम तब थोड़ा सा क्रिटीन लेते हैं अलग से सप्लीमेंट के थ्रू। तो ऐसे ही प्रोटीन का और ऐसे ही BCA का रोल होता है, जो अफोर्ड कर सकता है वो ले। तो ये 5 टिप्स है मेरे भाइयों, जो बिगनर है, जो एक्सपीरियंस है, मैं उनसे ये बोलूँगा अगेन दोबारा से कि इन 5 टिप्स पे ध्यान रखो। पहला, आपका शावर, जिम से पहले नीट एंड क्लीन बन के जाना और अच्छे कपड़े पहन के जाना, गारंटी दे रहा हूँ आप जिम उठा दोगे। दूसरा, फॉर्म, फॉर्म बहुत ही ज़रूरी है आपकी, आपकी फॉर्म गलत है आप लगे रहोगे, फिर आप ये कहते हो कि मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो कैसे आएंगे जब आपकी फॉर्म ही गलत है। आप सीखो, वीडियो देखो, वो चीज़ जब तक, ये आपको खुद सीखना पड़ेगा, आपको कोई पकड़ के तो सिखाएगा नहीं। आप मेरी वीडियो देख रहे हो चाहे किसी और की देख रहे हो, तो आप देखो, देखना और करना बहुत ही डिफरेंस होता है, तो वो आप ही कर सकते हो। तीसरा, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपका, इस बात का आप ध्यान रखना। जब भी आप कोई भी वर्कआउट लगाओ, तो चेस्ट वर्कआउट लगाओगे तो यहाँ पे तो इन होगा, और जब आप ऊपर लाओगे आउट हो गया, मतलब कोई भी चीज़ आप यहाँ पे पुश कर रहे हो, चाहे बाइसेप हो चाहे ट्राइसेप हो, किसी भी चीज़ को आप पुश कर रहे हो हैवी, वो चीज़ आपके पास आ रही है, तो वहाँ पे आपका ब्रीदिंग इन होगा। आप ट्राइसेप ले रहे हो, मान लीजिए ट्राइसेप में आपने ऐसे लिया, इन है, जरा छोड़ा, आउट, इन आउट इन, क्योंकि पूरी टेंशन तो यहाँ पे है, वेट हैवी है, यहाँ पे तो आप आउट कर नहीं पाओगे, तो जब नीचे लाओगे तभी आउट करोगे ना। कोई भी चीज़ आप जब वहां पे पुश करते हो तभी इन होती है वो, इस बात का ध्यान रखना। बस एप्स में अपोजिट होता है, एप्स में जब आप कोई भी चीज पुश करते हो अपर एप्स पे, तो यहाँ आउट होगा, इन आउट, ऐसे ही लोअर एप्स पे। तो और चौथी जो है टिप्स आपकी, वो है डाइट, डाइट सप्लीमेंटेशन। चौथी जो टिप्स है वो है सप्लीमेंटेशन, सप्लीमेंटेशन वो ही अफोर्ड करे जो कर सकता है। पांचवी जो टिप्स है वो है आपकी वर्कआउट एंड डाइट, वर्कआउट एंड डाइट दोनों ही जरूरी है। आपका वर्कआउट अच्छा नहीं है तो तब भी रिजल्ट नहीं आएंगे, आपकी डाइट अच्छी नहीं है तब भी रिजल्ट नहीं आएंगे, तो दोनों 50-50 होना चाहिए, तभी आपके रिजल्ट आएंगे और बहुत ही अच्छे आएंगे। और एक बात और मैं अलग से बिगिनर और एक्सपीरियंस के लिए बताना चाहता हूँ, ये मैंने 5 टिप्स में नहीं जोड़ी है, ये मेरी अलग से आपके लिए, भाई मानते हो अपना छोटा या बड़ा, तो अलग से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपको कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है, ये 5 टिप्स से सबसे ऊपर है। मसल एंड माइंड कनेक्शन, मसल एंड माइंड कनेक्शन जिन लोगों का होता है उनके रिजल्ट बहुत ही जल्दी आते हैं, क्योंकि मसल एंड माइंड कनेक्शन को लाने में लोगों को 8 से 10 साल लग जाते हैं। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ उठाते हो तो उसे आप फील करके उठाया करो, वेट मैटर नहीं करता, वेट
आपकी बॉडी आपकी डाइट से उठाती है, आप खुद नहीं उठाते, इस बात का आप ध्यान रखना। आपकी डाइट सही होगी डेली बेसिस पे तो ऑटोमेटिकली आप 10 किलो से 20 किलो पे आ जाओगे, 20 किलो से 30 किलो, 30 किलो से 40 किलो, 40 किलो से 50 किलो। बट मसल एंड माइंड कनेक्शन बनाना बहुत टफ होता है। आपका हर एक सेट मसल एंड माइंड कनेक्शन के साथ आपने लगा दिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप नंबर वन हो, क्योंकि वो चीज़ आप खुद फील कर सकते हो। कोई बंदा 80 किलो मार रहा है, मैं 40 किलो वेट पिक कर रहा हूँ, तो 80 किलो वाले पे मसल एंड माइंड कनेक्शन नहीं है। 40 किलो जो मैं उठा रहा हूँ, मेरा मसल एंड माइंड कनेक्शन है हर एक सेट पे, तो मेरी रिकवरी जल्दी होगी, मेरी बॉडी उससे जल्दी बनेगी, चाहे वो सप्लीमेंटेशन यूज़ करता हो, क्योंकि मसल एंड माइंड कनेक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना मेरे भाइयों, और भाई को सपोर्ट करो फुल, लाइक कर दो, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। बजट बाहर जा रहा है, सप्लीमेंटेशन ख़त्म हो गए हैं, तुम्हारा भाई अंडों पे आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, और फॉलो करो, प्रोग्राम आने वाला है, चालू हो गई है वीडियो बननी, तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से झड़म झड़, और भाई को सपोर्ट करो, शेयर कर दो, फैला दो वीडियो को, भाई को, भाई की वीडियो को मतलब। बाय गाइस, लव यू, ऐसे फिट रहो, कोई भी दिक्कत हो मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, तुम्हारा भाई उसी पे वीडियो बना देगा और आपको सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेगा जितना मैं आपके लिए कर सकता हूँ। बाय गाइस, लव यू, बाय।